मणिपुर जलुची आउ चरम सीमार महिला विरोधी हिंसा आज भी सरकार को संसद में घेरी विरोधी गृह कार्य आरंभ विरोधी सांसद सरकार विरोध में नाराबाजी करिछंती विरोधी हंगामा पर राज्यसभा को आज मुलतवी कर दि जाएगी। मणिपुर भली संवेदनशील प्रसंग को राजनीतिकरण नक सरकार यह गुरुतर सहित आलोचना करूँ बोली दावी करिछंती विरोधी। मणिपुर हिंसा रोकवा बदल में सरकार निर्वाचन प्रचार में लगी कांग्रेस कही सेपटे गृहर परंपरा और नियम को भारतीय जनता पार्टी सरकार अनुपालन करूनुवा अभियोग कांग्रेस लोकसभा अनास्था प्रस्ताव स्वीकार परे सदन भितर कौन विधेयक व बिल अणा जाए ना हेले एथर अनास्था उपरे चर्चा करान जाए संसद में बिल परे बिल पास करा जाउछि। सरकार संसदीय परंपरा आईन को अनुपालन करूनाहांती बोली अभियोग करिछंती आप सांसद राघव चड्ढा। तबे अनास्था प्रस्ताव पर चर्चा मतदान न होबा पूर्वरु कौन विधेयक बिल पास न करिबाकु अपील करिछंती विरोधी सांसद। मणिपुर प्राय तीन मास धरी जलुथुवा बेले 80 दिन पर सीबीआई को तदंत दायित्व दिया जिबा दुर्भाग्यजनक बोली विरोधी मेंट इंडिया सदस्य कहिछंती। तीन मास पर भी राज्य सरकार को कहीं हटा जाए ना बोली प्रश्न करिछंती विरोधी। मणिपुर में मात्र दुईटी लोकसभा आसन रही सरकार यही राज्य को अन्य बड़ राज्य भली गुरुत्व देना मणिपुर हिंसा को नहीं राजनीति नक स्थिति सुधार पर सरकार चेष्टा करूँ बोली कहिछंती आप सांसद राघव चड्ढा। We wanted to, the government should have gone there to understand their pain. It is nearing 90 days the pain of people is continuing. And our raped houses have been burnt. All these kind of things happening, but the government, Mr. Modi is in a campaign mode, the Home Minister is in a campaign mode, they are not ready to understand the city and the pain of people of Manipur. Manipur, hum logon ne jo kaha hai samajh le, par itna zarur keh dunga puri puri shakti ke sath ye chahe jo kar le, ab ye ladai hai quit India ki. Ab India samne aaya hai, keh raha hai ki भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। सुष्मिता मैम क्या है उसी की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें समझें। मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीज़ों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहाँ पे स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी के अपने पदाधिकारी हैं वही चीख चीख कर कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हज़ारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चरम पर हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत को विचलित करती हैं, इसीलिए एक डेलीगेशन, एक वफद इंडिया ब्लॉक की ओर से मणिपुर भेजा जा रहा है। वरिष्ठ सांबादिक विजय केतन मिश्र आम सहित अच्छा आलोचना करने सर आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची। 80 दिन पर सीबीआई को तदंत दायित्व, तीन मास धरी मणिपुर जलुची किंतु एपटे संसद में केन्द्र सरकार चुप रही, गोटेपटे विधेयक अणा जाता और अनास्था प्रस्ताव पर आलोचना है कि बिल पर बिल पास होने विरोधी मैंने गोटे असंतोष प्रकाश करुच्च वर्तमान स्थिति और यार समाधान कौन नहीं देखु। मणिपुर परिस्थिति जहाँ आम लक्ष्य करुचे तीन मास धरी दीर्घ प्राय तीन मास धरी जो हिंसा लग रही हिंसा थमार ना नौना एवं गुरुवार दिन आप जानते जो गन फाइट होता इनसर्जेंट मान सहित पुलिस पुलिस फोर्स रे सैनिक एवं जड़े पुलिस कमांडर तरह आहत होती बहुत 15 घंटा धरी गन फाइट चलता। तो वर्तमान जो प्रकार परिस्थिति मणिपुर है बहुत सांघातिक परिस्थिति एपरी परिस्थिति रे सरकार यार जिते शीघ्र समाधान आनी पारे आेषा करवा उचित किंतु मुझे गोटे कथा कह रखा चाहे जो मणिपुर रे जो पहाड़ ऊपर रोकवा लोक कुकी हेले नागा हेले पहाड़ तले जो भाली रोचे मैके भितर मतभेद बा डिफरेंस प्राय बहुत दिन रही मणिपुर राजतंत्र थिला से समय रे लागी रही किंतु ये भयावह रूप नहीं जिते स्वतंत्र नागालैंड 1951 मसीहा पर आरंभ है नागा नागा प्रदेश नागालैंड स्वतंत्र नागा देश पर जो उभय लड़ेटा आहुत तीव्रतर है जहाँ भी हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में सरकार दृढ़ हस्त हिंसा को दमन करवा उचित शांति फेर आने आवश्यकता रही। तो वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री जो कहते आम अगस्त फास्ट विक सेकेंड विक असेंबली को डाकी काली गृहमंत्री 18 जुलाई पर
କୌଣସି କାହାର ଜୀବନହାନି ଘଟି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି ବଟ୍ ହିଂସାର ପରିମାଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସରକାର ତିନି ମାସ ଧରି ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହିଂସାକୁ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବାଟା ଏତେ ଜୋର ସମୀଚୀନ ସେଟା ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। निश्चित सर व्यापक असंतोष यहाँ को लेकिन देशव्यापी देखा मिली सर बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर मतामत वरिष्ठ सांबादिक सुक्त विजय केतन मिश्र ए संपर्क में आम सहित अधिक चर्चा करते। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट पर भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो बयान दिया CBI जाँच की हम उसको स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन ये भी बोलेंगे CBI को कि शांति निकेतन से जो रविंद्रनाथ की नोबेल की मेडल खो गए थे या सिंगूर नंदीग्राम वाला मामला, तापोसी मालिक वाला मामला, उसका अभी चल रहा है 17 साल हो गया, ऐसा ना करें। 4 मई की वो घटना है, उसके बाद 18 मई को FIR लिखी जाती है, 12 जून को NCW को शिकायत दी जाती है, सदन का सत्र शुरू होता है और वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आपको लगता है कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची हुई है? और CBI और बाकी जो इनकी संस्थाएं हैं ये अब तक क्या कर रही थी?